हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं FY BCOM का डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये टॉपिक। ठीक है, तो देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट, इसका मीनिंग पहले हम जान लेते हैं। मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंट का मीनिंग क्या है, मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंट मतलब क्या। ठीक है, आपको तो पता होगा डिपार्टमेंट मतलब क्या। हर एक कंपनी का या आपके घर में कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, वो डिपार्टमेंट रहेगा। और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ये थोड़ा अलग है। मतलब क्या कि देखिए, एक कंपनी हुई, जैसे कि मान लो आप सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन भी आता है, उसका टीवी भी आता है, उसका फ्रिज भी आता है। सो ये उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हुए। सो इन अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंटिंग रहता है। ठीक है, सो कंपनी तो एक है, ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा, मतलब मोबाइल बेच के उनको प्रॉफिट होगा, या फ्रिज बेच के प्रॉफिट होगा, या टीवी बेच के प्रॉफिट होगा, सभी कंपनी एक का तो प्रॉफिट है, तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, उनका प्रॉफिट कंबाइन करके हमको अकाउंटिंग करना है। इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, पहले तो मतलब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट या बैलेंस शीट आपको पता होगा, जो जैसे कि आपने ये सब पिछले साल मतलब 11th 12th में पढ़ा है। बैलेंस मतलब जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें फर्स्ट हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ये पता है बराबर, ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट कैसा रहता है, आपको ये पता है ना फॉर्मेट उसका, ऐसा मतलब ये पर्टिकुलर रहता है, यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे रुपीज़, ऐसा एग्जैक्टली आपका फॉर्मेट रहता था, मतलब जो ट्वेल्थ में या इलेवेंथ में। उसके बाद आप यहाँ पे PNL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम अब ऐसे लिखते थे, और उसके बाद बैलेंस शीट रहते थे। लेकिन जो अब यहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट अकाउंट के लिए आपको सेम फॉर्मेट है, मतलब जो आइटम आप ट्रेडिंग में लिखते थे वही आपको यहाँ पे लिखना है, PNL में लिखते थे वही आपको PNL में लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो अलग है वो क्या है कि ये देखो, यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट पहले था, मतलब एक ही कंपनी थी, उसके डिपार्टमेंट वगैरह का आपने अकाउंटिंग नहीं किया था। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रुपीज़ के कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो ये पहला ए डिपार्टमेंट है और दूसरा बी डिपार्टमेंट है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ए का अलग और ये बी का अलग। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी देखिए आप, ये ए डिपार्टमेंट, ये बी डिपार्टमेंट, ये ए डिपार्टमेंट और ये बी डिपार्टमेंट, इस तरह से आपको कॉलम निकालने पड़ेंगे। ये अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फॉर्मेट कैसा है। हाँ, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, देखिए आप, हाँ डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मेट जो है वो, वहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वहाँ पे फर्स्ट जो आपको दिख रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें भी उन्होंने क्या किया है, मतलब कॉलम कैसे लिखे देख सकते हैं ना आप, वहाँ पे देखिए आप, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और टोटल, ऐसे कॉलम है बराबर। उसके बाद क्रेडिट साइड में सेम, हाँ ट्रेडिंग एंड PNL के डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और टोटल कॉलम, बाकी आइटम तो सेम है। ये तो आपको पता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, PNL के डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। अगर नहीं पता है तो आप फॉर्मेट देख के या आगे जाके हम जो एग्जांपल देखने वाले थे, अब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह का उसका फॉर्मेट है, जो कि आपको डिस्प्ले पर अभी दिख रहा है। ठीक है, देखो आगे दूसरा वाला देखिए, मतलब उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या, वहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है आपको, मतलब वो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट PNL अकाउंट का फॉर्मेट है, उसके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये एक्स्ट्रा कहाँ से अकाउंट आया, इसका मीनिंग क्या है, देखिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जो ट्रेडिंग या PNL में ऐसे कोई आइटम है जो हम डिपार्टमेंट डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के नहीं होते, जैसे कि मान लो बाकी के सब खर्चे आपने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे बांट दिए, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस जैसे कि इंश्योरेंस रहेगा, हाँ या सैलरी रहेगी, ये कॉमन ऑफिस की एक ही सैलरी रहती है, तो वो ऐसे एक्सपेंसेस आपको कहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल की, तो ऑडिट फीस रहेगी, लॉस ऑन शॉप सॉइल गुड्स रहेगा, लॉस बाय फायर रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा, ये टोटल देना पड़ता है कंपनी को, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। इनकम में देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, डिविडेंड रहेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये कुछ ऐसे आइटम है जो जनरल PNL में आते हैं। आपको आगे जाके जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले ना, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट नीचे देख सकते हैं आप, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि पहले था लाइब्रेरी रुपीज़, एसेट रुपीज़, वहाँ पे डिपार्टमेंट आपको
नहीं प्रिपेयर करने पड़ते। ठीक है, ये हुआ जो फॉर्मेट अभी हमने देखा। अच्छी तरह से फॉर्मेट देख लो। हाँ, इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे, आप स्क्रीनशॉट निकाल के नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो देखिए, ये हुआ फॉर्मेट, बराबर। अभी यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, मतलब क्या, जैसे कि कुछ जो एक्सपेंसेस वगैरह सब रहते हैं वो आपको एलोकेशन तो करना पड़ेगा। मतलब आपको, अगर मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे रेंट का अमाउंट है 12,000 ऐसा दिया, तो आपको डिपार्टमेंट ए और बी को तो एलोकेट करना पड़ेगा। 12,000 आप किस पे एलोकेट करोगे, ये सवाल है ना यहाँ पे। हाँ, मतलब आप बोलेंगे आधा आधा दे दो, 6,000 6,000 यहाँ पे लिख देना, चलेगा। लेकिन उसका भी कोई मतलब, ये रेशो तो होगा ना, किस रेशो में हम डिवाइड करेंगे, ये कैसे हमें ए और बी को देना है, ए बी सी कितने भी वाटर डिपार्टमेंट होंगे उनको। सो यही आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, ये एलोकेशन करेंगे, अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देख लेते। तो देखिए, इसमें पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट। ठीक है, सो पहले तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि परचेस रेशो, कौन सा रेशो, परचेस रेशो। देखिए, ये परचेस रेशो क्या है, आपको परचेस तो ऑलरेडी गिवन रहता है डिपार्टमेंट का, कितना आपने मतलब ए का कितना परचेस किया, बी का कितना किया, अलग अलग तो आप परचेस करेंगे ही करेंगे। सो वो परचेस आपको यहाँ पे लेना है। मान लो कंपनी ए का परचेस अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का गुड्स ए ने परचेस किया है, और डिपार्टमेंट ए का 1 लाख है और बी का मान लो 2 लाख है परचेस की अमाउंट। ठीक है, ये गिवन रहती है आपको प्रॉब्लम में। सो आपका ये रेशो कितना है, ये आपको निकालना है। तो कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रेशो कैसे निकालेंगे, जीरो जो कॉमन जीरो है वो कैंसिल कर दो। देखिए आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए आप, बराबर, कॉमन जीरो कितने हैं यहाँ पे, ये 50, ये 50 गए। सो आपको यहाँ पे 1:2 ये परचेस रेशो मिला। इजी है ना, देखो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं परचेस रेशो। ठीक है, इस तरह से हमने परचेस रेशो निकाला। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सेल्स रेशो कैसे निकालेंगे। सो देखिए आप यहाँ पे सेल्स रेशो, सेकेंड सेम सेल्स रेशो आपको दिख रहा है ना, देखिए आप ध्यान से। ठीक है, सेल्स रेशो कैसे निकालेंगे, सेम है, ए का मान लो सेल्स 5 लाख है, ए का सेल्स है 5 लाख और बी का सेल्स है मान लो 3 लाख। सो यहाँ पे भी कॉमन जीरो जो रहेंगे वो कैंसिल कर देंगे आप, और जो बचेगा मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, सो ये आपका सेल्स रेशो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये आपका क्या रहेगा, सेल्स रेशो 5:3। अभी आगे जाके ये परचेस हुआ, ये सेल्स हुआ। ठीक है, ये रेशो आपको निकालने पड़ते हैं एग्जाम के टाइम में, मतलब जो एग्जाम्पल रहता है उसमें ये रेशो गिवन नहीं रहते, आपको खाली परचेस और सेल्स दिया होता है, उससे आपको क्या करना पड़ता है कि परचेस रेशो और सेल्स रेशो निकालना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलो ये ठीक है सर, हमने निकाला परचेस रेशो या सेल्स रेशो भी निकाला, लेकिन इस रेशो में कौन से आइटम आपको एलोकेशन करने हैं। तो देखिए, परचेस जो रेशो रहेगा, जो परचेस रिलेटेड मतलब मटेरियल आप परचेस करोगे उस रिलेटेड जो भी कोई एक्सपेंसेस होगा वो आपको परचेस रेशो में एलोकेट करना है। जैसे कि आपको पता है ना, जब हम मटेरियल परचेस कर दे तो जहाँ से भी आप परचेस करेंगे वहाँ से तो फैक्ट्री में लाना पड़ेगा। सो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस रहेगा, मतलब उसे हम कैरिज इनवर्ड कहते हैं। तो मान लो आप यहाँ पे कैरिज इनवर्ड, कैरिज क्या बोला मैंने, इनवर्ड रहेगा वो आप परचेस रेशो से एलोकेशन करोगे। उसके बाद क्या रहेगा, आप परचेस करते हो मटेरियल तो डिस्काउंट तो आप उनसे लेते हो, सो इसको डिस्काउंट रिसीव जो रहेगा, ठीक है, क्या डिस्काउंट रिसीव जो रहेगा वो भी कैसे एलोकेट करोगे, आप परचेस रेशो से एलोकेट करोगे। आगे हम डिटेल में ये देखने वाले हैं, डोंट वरी, आपको ऊपर मैं बता रहा हूँ परचेस रेशो का यूज़ क्या होने वाला है। ठीक है, ये आप क्या करेंगे यहाँ पे परचेस रेशो में एलोकेट करेंगे। दो ही आइटम नहीं है, आगे भी है, वो फॉर्मेट के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स रेशो। अभी सेल्स रेशो जो रहेगा, जो सेल्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, आपको पता है ना सेल्स के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस रहते हैं,
मोस्ट ऑफ सेल्स के लिए पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट करते, सो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ सेल्स के लिए ट्रैवल किया था सेल्समैन, या सेल्समैन सैलरी बराबर ये भी रहेगा, सेल्समैन सेल्समैन सैलरी, ठीक है। या दूसरा मान लो आप बैड डेब्ट्स रहता है, जो कोई बैड डेब्ट्स का मतलब क्या, आपके कस्टमर ने आपके पैसे अभी तक नहीं दिए, बैड डेब्ट्स, ये भी आप क्या करोगे सेल्स रेशो में एलोकेट करो। जो भी सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है, नहीं तो डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, या उसका डेप्रिसिएशन वगैरह, डेप्रिसिएशन मान लो, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन जो सेल्स के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है सब हम सेल्स रेशो में डिवाइड कर देंगे, और परचेस रेट के जो परचेस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बचते, आपको मन में सवाल है कि वो कैसे एलोकेट करेंगे, जैसे कि सैलरी रहेगी, जैसे कि रेंट, मान लो रेंट आप देखना है, यहाँ पे रेंट है, आप रेंट कौन सा भी आपके घर का भी रेंट आप कैसे भरते हो, जो एरिया है उसके हिसाब से। मान लो अगर आप एक 1 BHK रूम में अगर आप रहते हो, तो उसका जो कोई भी रेंट रहेगा वो कम रहेगा कंपेयर टू 2 BHK। सो हम जो एलोकेशन करते हैं रेंट वगैरह का, वो एरिया के हिसाब से होता है, कितना एरिया आप कंज्यूम कर रहे हो। सो सेम यहाँ पे भी यही आप लोगों का जो रेंट रहेगा उसका रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया आपको गिवन रहता है उस एग्जांपल में, एरिया कितना कितना, ए को है और बी डिपार्टमेंट को है। हाँ ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट या कौन सा भी यहाँ पे नाम हो सकता है, 1, 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से आप क्या करेंगे, रेंट को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा सवाल अभी आपने पूछा, जैसे कि वेजेस, अभी ये जो वेजेस रहता है वो कैसे हम देते हैं, वेजेस वगैरह जो रहता है एग्जैक्टली वो मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह हम कह सकते हैं, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर, मान लो आप वर्कर हाँ उस डिपार्टमेंट में है, एक मान लो ए में 500 है, बी में 1000 है, सो यहाँ पे उस रेशो में आप वेजेस उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको वेजेस कैसे डिवाइड करने की। उसके बाद देखो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सैलरी रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा, ऑडिट फीस रहेगा, उनका स्पेसिफिक अगर रेशो मेंशन नहीं किया है, जनरल एक्सपेंसेस रहेगा, वो एडजस्टमेंट में मेंशन करते हैं कि ये एलोकेट इक्वली करो या इस रेशो से करो, नहीं किया तो ये सब एक्सपेंसेस जाएंगे जनरल पीएनएल में, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था उसका जो फॉर्मेट जनरल पीएनएल में, वहाँ पे जाएंगे। मतलब इसका मीनिंग क्या रहता है, स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं हो सकता है इन एक्सपेंसेस का, सो इन्हें हम क्या करते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस मानते हैं, और उसे क्या लिखते हैं हम जनरल पीएनएल में, ठीक है। यह है डिपार्टमेंटल अकाउंट का थोड़ा सा, मैंने आपको ये परचेस रेशो, सेल्स रेशो वगैरह ये अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें एग्जैक्टली मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एग्जैक्टली एक सम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ तब तक ये ध्यान से सब देख लेना, अच्छी तरह से कर लेना, बुक की PDF की लिंक भी मैं देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अच्छी तरह से ये स्टडी कर लेना। जल्द ही आपको दूसरा भी वीडियो मिल जाएगा, सेकेंड वाला, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सेकेंड लेक्चर की, डिपार्टमेंटल अकाउंट की, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट जो एग्जांपल है मैं आपको लाइव यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। थैंक यू।